आईपीएल 2022 का एक और महामुकाबला सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि उनकी शुरुआत तो बेहद ही खराब रही, इस बार कप्तान शिखर धवन है क्योंकि मयंक अग्रवाल बाहर थे, तो कहीं न कहीं खराब शुरुआत मिलने के बाद लियाम लिविंगस्टन की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर ही पंजाब किंग्स ने 151 रन बनाए 20 ओवर में, वो भी 10 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 152 रन का एक ठीक ठाक स्कोर सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ रख दिया। और सनराइजर हैदराबाद की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही, कप्तान केन विलियमसन जल्द ही आउट हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं राहुल त्रिपाठी, एडम मार्क्रम, निकोलस पूरन की शानदार और छोटी पारियों ने ही तो इस मुकाबले को सनराइजर हैदराबाद को जिता दिया। न केवल जिताया बल्कि पॉइंट टेबल के अंदर 2 अंक अर्जित करवा दिए और सनराइजर हैदराबाद की लगातार इस चौथी जीत ने पॉइंट टेबल के अंदर बवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, बाकी धुरंधर टीमें जो प्लेऑफ की रेस में लगभग तय लग रही थी, उन टीमों को अब बाहर निकालने का काम सनराइजर हैदराबाद ने किया है। आइए जानते हैं आखिर सनराइजर हैदराबाद की जीत से और पंजाब की हार से पॉइंट टेबल में क्या बड़ा बवाल हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है आईपीएल 2022 के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैरिये, तो हम आपको बताएंगे ही कि पॉइंट टेबल में सनराइजर हैदराबाद की इस लगातार चौथी जीत के बाद क्या बड़ा बवाल हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी नजर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर डाल देते हैं, जहां पर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ है। राजस्थान रॉयल की तरफ से जॉस बटलर अभी भी ऑरेंज कैप के प्रबल दावेदार बने हुए हैं, 272 रन बनाकर ये खिलाड़ी पहले पायदान पर है। पर्पल कैप की तो टी नटराजन ने 12 विकेट लेकर इस पोर्शन पर पहला स्थान हासिल कर लिया है। जी हां, टी नटराजन अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर रहे हैं। टी नटराजन की टीम सनराइजर हैदराबाद ने यह मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ जीतकर एक बहुत बड़ा बवाल पैदा कर दिया है। सनराइजर हैदराबाद की जीत के बाद पॉइंट टेबल का क्या हाल है और कैसी बाकी टीमों की मुश्किलें बढ़ाई है, पंजाब किंग्स का बेहाल कर दिया है। पॉइंट टेबल को ध्यान से देखा जाए तो इस पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर गुजरात टाइटंस बनी हुई है, 5 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 पॉइंट के साथ में ये टीम पहले पायदान पर है। दूसरे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का आता है, जो कि 6 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर है, यानी कि आईपीएल की 2 नई टीमें और दोनों पहले और दूसरे पायदान पर खड़ी है, तो ये बहुत बड़ी बात है कहीं न कहीं 2 नई फ्रेंचाइजीज के लिए। तीसरे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आता है, जो भी 6 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 पॉइंट के साथ में तीसरे पायदान पर है। और अब चौथे पायदान पर सनराइजर हैदराबाद पहुंच चुकी है टॉप 4 में। जी हाँ, जहां लग ये रहा था कि ये टीम सबसे नीचे रहेंगी, लेकिन इस टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और पिछले 4 लगातार मुकाबले जीतकर 8 पॉइंट के साथ में ये टीम चौथे पायदान पर है। वैसे पहले पायदान पर भी हो सकती है, लेकिन नेट रन रेट है जो कि इन्हें चौथे पायदान पर ले आती है। अब इसके बाद पॉइंट टेबल के अंदर काफी ज्यादा बवाल होता है। आइए जानते हैं बाकी टीमों का क्या हाल किया है हैदराबाद ने। 5वें पायदान पर राजस्थान रॉयल का नाम आता है, जो 5 में से 3 मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट के साथ में 5वें पायदान पर है। 6वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर, जिन्होंने 6 में से 3 मुकाबले जीते हैं और 6 पॉइंट उनके पास भी है। 7वें पायदान पर पहुंच चुकी है पंजाब किंग्स, यहाँ जो टॉप फॉर्म में राज करती थी वो 6 में से 3 मुकाबले जीतकर दिन हार कर 6 पॉइंट के साथ में 7वें पायदान पर खिसक चुकी है। 8वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल, 5 में से केवल 2 मुकाबले जीते हैं। 9वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स, 5 में से केवल 1 मुकाबला जीतकर 2 पॉइंट के साथ में। और 10वें पायदान पर मुंबई इंडियंस, तो 6 में से 6 मुकाबले हार चुकी है। मुंबई के लिए बाकी बचे हुए 8ों के 8ों मुकाबले जीतने जरूरी है, अदरवाइज वो प्ले ऑफ की रेस से बाहर है और ऐसा लगभग नामुमकिन लगता है। चेन्नई के भी बेहाल है, दिल्ली कैपिटल भी इस बार बेहाल दिखाई दे रही है। यह है पॉइंट टेबल, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।